देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। घने कोहरे के कारण डालडा रिफाइंड से भरा हुआ एक टैंकर हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के दौरान चालक व परिचालक दोनों बच गए, जबकि फैले हुए डालडा रिफाइंड को भरने के लिए आसपास के ग्रामीण बाल्टियां डिब्बे केन लेकर भरने की कोशिश करते हुए देखे गए। हालांकि सभी को पुलिस ने खदेड़ कर भगाया। घटना सुबह 5:30 बजे करीब भावलपुर गांव के निकट हाईवे पर घटित हुई, जब गुजरात प्रदेश के कच्छ से करीब 29 टन डालडा रिफाइंड लेकर एक टैंकर संख्या GJ12AY7276 का चालक अहमद अली व परिचालक कानपुर लेकर जा रहा था। चालक ने घटना का कारण कोहरे में सड़क साफ दिखाई न देने के कारण अनियंत्रित होकर टैंकर पलट जाना बताया। उसके अनुसार करीब 30 से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आसपास के ग्रामीणों को जैसे ही पता चला कि डालडा से लदा हुआ कोई ट्रक हाईवे किनारे पलटा, तो ग्रामीण खासकर बच्चे बड़ी संख्या में बाल्टियां डिब्बे व केन लेकर टूट पड़े और उस डालडा रिफाइंड को बटोरने लगे। सूचना मिलते ही पहुंची थाना कोतवाली पुलिस ने उन्हें खदेड़ भगाया। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हाईवे पर बाधित हुए यातायात को पुलिस ने सुचारू कराया। गौरव शाके की रिपोर्ट। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।